यार साहब फिर पूरी मेहनत कर रहे हैं, रात 10 का टाइम मेरी मजदूरें लगे हैं काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत ना इसे जी इधर कहते कदों नहीं का काम पत्रे खराब हो ना तो मैं स्थाई और पत्रे तो आपको लाने दे स्थाई और पत्रे किधर आ जी ये पत्रे स्थाई स्थाई और कौन है ये लोग कहां से आते हैं? हरनून का ओवरऑल व्यू देखें आप जी। गाली भाई के पास हम खड़े हैं जी अभी और पी रहे हैं मिल्को। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। क्या हाल है जी फ्रेंड, ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज थोड़ा काम से जल्दी आ गया था, 2-3 काम है उधर वो भी करने हैं और आपको भी साथ में दिखाते हैं। इससे पहले तो मैं जा रहा हूँ, इधर मोबाइल का ऊपर वाला ग्लास नहीं होता वो टूट गया था, वो लगवाना है, कवर चेंज कराना है पीछे और चाबियाँ भी बनवानी हैं। 2-3 काम है आपको दिखाते हैं। अभी टाइम की बात करें तो तकरीबन 2 बज गए हैं और ये हमारे घर से ऊपर जाती है विक्टोरिया स्टेशन की तरफ गली, जिसकी इधर ही ऊपर 2-3 दुकानें मोबाइल वाली, उधर से ही मैं चेंज करवाता हूँ जो भी मोबाइल का सिस्टम। अभी जी ग्लास लगवा लिए और इस शॉप से अभी जाने लगे हैं एक दोस्त के पास, उससे भी थोड़ा काम है, ग्लास और कवर लगवाया है वो भी आपको मैं दिखाता हूँ दुकान पर जाकर, क्योंकि मोबाइल एक ही था इसीलिए मैं आपको दिखा नहीं सका। जैसे वो ग्लास लगाते हैं ना, इसका बहुत मुश्किल से लगा है। दोस्त के पास आ गए हैं और ये कवर लगवाया है, ये गौर से देख लिया, ये कवर लगवाया ऊपर, ग्लास अभी आपको नहीं दिखा सकता। और बैठिए ऐसे ही इंजॉयमेंट के लिए, बाल मैंने कटवाने नहीं है अभी, ठीक है बाल मेरे जी। तारड़ साहब भी आ गए हैं काम से छुट्टी करके खाना खाने के लिए और ये साइकिल खड़ी है तारड़ साहब की, अभी होटल से कुछ ऑर्डर किया है वो लगाते हैं। अभी खाना खा रहे थे इधर से और साथ ही इधर इतना रस बन गया ना दोस्त के पास, ये देखिए अभी सारे इनके बाल काटे गए एक एक करके। घर का ताला चेंज किया है और चाबियां बनवानी है वो अभी बनवा लेते हैं और चलते हैं फिर घर। अभी शॉप आगे तो बंद थी, अभी देखते हैं खुली है कि नहीं। हरनून का ओवरऑल व्यू देखें आप जी, ये है जी हरनून, ये शॉप तो बंद है चाबियों वाली। अभी एक और शॉप है उधर बंगाली की, उधर जा रहा हूँ देखते हैं वो खुली है कि नहीं। हफ्ता है और दुकानें जल्दी बंद हो जाती हैं इसीलिए। इधर भी चाबियां तो बहुत इसने लटकाई हुई, देखते हैं ये बनाता है कि नहीं, ये देखें आप। अभी जी वो कह रहा था ये चाबी तो बन जाएगी, ये छोटी नहीं बनेगी, मैंने कहा फिर दोनों ही रहने दो, जिससे मैंने ये बनवानी है दोनों इकट्ठी बनवा लूँगा। वो जो शॉप है गरीकी की वो बहुत पुरानी शॉप है, उधर से बहुत उम्मीद है ये दोनों ही चाबियाँ बन जाएंगी। ये कल ताला चेंज किया है लॉक नीचे वाला और चाबी अभी नहीं बनानी होगी, देखते हैं अभी सुबह खुल जाए दुकान परसों। गाली भाई के पास हम खड़े हैं जी अभी और पी रहे हैं मिल्को। ये बंगाली भाई की भी बहुत लंबी दस्ताने हैं, वो भी आपको किसी वीडियो में दिखाएंगे सही। हम अभी फिलहाल तो वो काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। घर आ गया हूँ जी मैं, ये मोस्टर काफी दिन बाद आज पी रहा हूँ, दिल कर रहा था बहुत। और ये सेल लेके आया हूँ, ये मुझे जरूरत है माउस में डालने हैं लैपटॉप को चलाने के लिए। ऐसे ही आज याद आया, मैंने कहा चलो ले लेते हैं, आगे पीछे तो याद रहता नहीं है। हेलो ब्राट साहब पानी बहुत ही पतली ना हो ये ब्राट साहब, ये कौन सी दवाई आप बना रहे हो? मैं भी दिखा रहा हूं चमचा वो ना खा लिया, ये लाइट में अच्छा। ये हमारे भाई सर पहले नेम इनका बताया, ये दुनिया के सिकंदर और जी उन्हें थोड़ा टाइम लेना, और हमारे वर्क जारी है जी इधर। इसे जी इधर कहते कदम ही का काम, जितना भी होता है ना ये ज्यादातर यूज यही होती है घरों में। मेरे पत्रे खराब हो ना तो मैं स्थाई और पत्रे तो आपको लाने दे
जोड़ी ये जो भी इधर काम करते ये दो पत्रे रखते है साथ में। जा रही है जी काम, दोस्त गए थोड़ा सामान लेके आना था और हम अभी कर ही रहे हैं। त्रिप्सी, इसे कहते हैं त्रिप्सी, इधर लगा दिया तो त्रिप्सी करनी है। ये लैटिन शेटिंग सारी फिक्स की हुई है, रात का टाइम है, दिन को तो काम पर होना है इसलिए रात को ये सारा कंप्लीट कर लेना है आज ही, दिन को नहीं ना कर सकते सारे, फिर काम भी होते हैं, ये दोस्त भी दिन को काम करता है। हाँ जी बराबर साहब, फिर पूरी मेहनत कर रहे हैं, रात दस का टाइम मेरी मजदूर लगे रहे काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत ना जिन्हें काम कर रहे इस करके रात ही जरा ना मैं काम कर रही लैंड इंटर करके बनाई था हम हेलो लैट इधर हो गई मैं साढ़े हजार पीन सारे बल्ले चीमा सा बल्ले ऐ जी इत्थे नूं वर्निकी आंदे ने ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੱਜ ਗਈ ਵਰਨੀਕੀ ਥੱਲੇ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਰ ਲਈਏ ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕੰਮ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਲੋਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵਲੋਗ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਉਰਦੂ ਬੋਲ ਬੋਲ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।